ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने का मतलब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्मस स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवान नाम कीर्तन, वो भगवान नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंताकरण को और बाह्य करण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। गुरु कृपा से जिभ्या पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम धमा प्रण हो गर्भ कर्मा ये तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये मेरी जिभ्या जो राधा राधा रट रही है सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम, बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिसे एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं, रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद, जासु कंध पर कमल कर धरे रहे तु ब्रज चंद। जिनकी जिभ्या पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लाल जो महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिभ्या में है, राधा राधा कहत है जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उलंघि के बसत सदा ब्रज धाम। जिनकी जिभ्या से राधा 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 ऐसा वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज चौरासी कोस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास अनंत काल के लिए वास इस ब्रज चौरासी कोष में वृंदावन धाम में उसे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है। आप मनुष्य योनि में है तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नरमर घट को भूत, अगर भजन नहीं करोगे तो स्मशान के भूत बनोगे। कुछ न खाने को न पीने को, पास में नदी बहेगी जल नहीं पी सकते, जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जल पान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से, तिनको जान सपूत भजन बिन नरमर घट को भूत। जिनकी जिभ्या से श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी माँ। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जही जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस।
नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है, उनकी माँ पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम, आठो गांठ कपूत एक अनन्य भक्ति बिन किए, ध्रग करनी करतूत भजन बिन नरमर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे जन्म मरण के चक्र से, ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं। केवल बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निशिदिन करत कपट छल बाजी, ये समझे नहीं अवूत सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत भजन बिन नरमर घट के भूत। जो मनावे सो पापाचरण कर रहे हैं, रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है। यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, करे विष्णोर नाम एव पुंसः शमलम अपनुदत पुण्यमुत्पादयच्च ब्रह्मादि स्थान भोगाद्युरतिमथ गुरु श्रीपद्वंद भक्तिम तत्वज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो कैसी अद्भुत भावना। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांग करके परम धाम का यात्री होगा, इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर जाएगा। ओ उसके द्वंद अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है, जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने, अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए, अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है, आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में। अब नाम जब शुरू हुआ, पापाचरण पाप प्रवृत्तियां नष्ट हुई, भारी पुण्य उदय हुआ,
भोगों से बैराग, ब्रह्मलोक तक के भोगों से, मृत्यु लोक के भोगों की तो बात जाने दो, नाम जापक यह है लगन भगवत प्राप्ति की। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जे ही नाम जापक ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य होता है तो गुरुदेव में साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है नाम, ये नाम पैदा कर देता है। ये बात ही केवल भाव बनाने का विषय नहीं है, स्थिति है। और गुरुदेव की तरफ देखता है तो उसे साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं, ये नाम पैदा करता है भाव। भगवत विषयक तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश, जब गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि हुई तो तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब नाम जब से हो रहा है, तत्व ज्ञान का प्रकाश होते ही जन्म मरण की भ्रांति हेतु जो अविद्या थी वो जलकर भस्म हो गई और जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अब अखंड सच्चिदानंद भगवान का बोध या प्रेम जैसा साधक होगा, ज्ञान मार्गी साधक, ज्ञान बुद्धि प्रधान तो अखंड बोध में स्थित हो गया, अगर भक्ति प्रधान तो अखंड प्रेम में, अभंग प्रेम को प्राप्त हो गया। ये नाम अपना कार्य इतना बड़ा करता है, ये नाम कार्य करता है। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम, गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि और ब्रह्मा भी नमस्कार करें ऐसा महान उसका पद, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, ये सब नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अहम संघर दखिलम सकदुदया देव सकल लोकस्य तरणिर्युतिमिर राशिम जयति जगन मंगलम हरिर नाम। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा मा चांडाल ममूक लोक सुलभो वश्यश्च मोक्ष श्रियः न दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागिक्षते मंत्रोयम रसानास्प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। जब नाम जब शुरू करता है तो उपासक जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं धीरे धीरे अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंतर की कोठरी भी प्रकाशित हो जाती है, ऐसे ही नाम संपूर्ण हृदय में ऐसा प्रकाश ज्ञान का करता है कि अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण जीव मात्र के संपूर्ण पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है। पकड़िए, भटकने की संशय करने की जरूरत नहीं। अतएव जगन मंगल प्रद श्री हरिनाम की जय हो। ये नाम ऐसी विचित्र शक्तिशाली सुलभ जिभ्या के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति, जिभ्या के स्पर्श मात्र से राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवत प्राप्ति। आत्माराम बना देगा, आप्त काम बना देगा, पूर्ण काम बना देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा, श्री कृष्ण को आकर्षित करके हृदय में प्रकाशित कर देगा। कुछ आपको नहीं करना, बस नाम जप करना। यज्ञ योग तप दानादि ये सब नष्ट होने वाले हैं, कोई पाप बन गया नष्ट हो गया, लेकिन नाम अमोघ अविनाशी ये सब पापों का नाश करके स्वयं जयति होता है, जय को प्राप्त होता है। हरसि हरि नाम जपत जय, सेवक जी महाराज कह रहे। नाम जापक को जीते विनायक, शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप। हरसि हरि नाम जपत जय, कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र से विघ्न नहीं पहुंचा सकता जिसकी जिभ्या पर नाम चल रहा है।